दमोह जिले में आज फिर बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या ने आज अर्धशतक मारा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि दमोह जिले में आज 50 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज मिले मरीजों में 17 महिलाएं हैं जबकि 33 पुरुष। आज मिले मरीजों में नोहटा से एक, नया बाजार नंबर 1 से 3, दमोह से 2, गार्डलाइन दमोह से 1, तेंदुखेड़ा से 1, वार्ड नंबर 6 पथरिया से 2, वार्ड नंबर 1 से 1, वार्ड नंबर 9 से 1, लखरौनी से 1, वार्ड नंबर 14 से 2, वार्ड नंबर 6 से 4, तिंदौनी से 1, तीन गुल्ली से 1, प्रोफेसर कॉलोनी से 2, विजयनगर से 1, वसुंधरा नगर से 1, इंदिरा कॉलोनी से 2, पुलिस थाना दमोह से 1, जबलपुर नाका से 1, नैमी नगर दमोह से 1, फुटेरा कला से 1, सुभाष कॉलोनी से 2, चौबे मोहल्ला चौराहा से 1, कोरता पिपरिया से 1, मानगढ़ पौड़ी से 2, विवेकानंद कॉलोनी से 1, राजघाट पिपरिया से 1, शोभा नगर से 1, वैशाली नगर दमोह से 3, शिवनगर से 1, कोटवारी दमोह से 1, पुरा पायरा से 1, पुराना बाजार 2 दमोह से 1, नरसिंहगढ़ मोहल्ला जबीरा से 1, नया बाजार नंबर 2 दमोह से 1, वार्ड नंबर 5 से 1 नया मामला सामने आया है। दमोह जिले में कोरोना के 50 नए मरीज मिलने के बाद अब कुल दर्ज मामलों की संख्या 1661 हो गई है। वहीं 1000 से अधिक मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्टेशन रोड दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालक रोटरी क्लब दमोह। स्थान अस्पताल चौराहा दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए हटा रोड दमोह। एपी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्टेशन रोड दमोह। दमोह जिले में कोरोना के 76 नए मरीज सामने आने के बाद अब कुल दर्ज मामलों की संख्या 1087 हो गई है। के लिए एक बार अवश्य पधारिए हटा रोड दमोह। कान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999888 9842 पर।